आज माननीय कोर्ट के द्वारा जो सेंटेंस के पॉइंट में जो रखा गया था, आज सभी अभियुक्तों को धारा 148 आईपीसी में 2 साल, आरआई 332 में 2 साल, आरआई 333 में 5 साल, आरआई 307 में 5 साल, आरआई और 10,000 फाइन, और सिर्फ राजीव जायसवाल को उसमें 13 एक्यूज में एक राजीव जायसवाल एक्यूज थे, उनको 27 आर्म्स एक्ट में उनको अलग से 3 साल आरआई और 10,000 फाइन किए हैं, और ये जो फाइन है सब फाइन नहीं देने पे 6 महीना का सिंपल कारावास का माननीय कोर्ट के द्वारा आज सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, ये माननीय कोर्ट के द्वारा आज। तो कुल कितनी सजा हुई? ममता देवी को 148 में 2 साल आरआई, 332 में 2 साल आरआई, 333 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन, और सभी सजाएं सब साथ साथ चलेंगी। तो क्या ममता देवी की विधायिका खत्म हो जाएगी इसके बाद? ये तो अब क्या कहते हैं, अब वो देखने वाले देखेंगे क्या जाएगी कि नहीं। तो कुल कितना देर के होगा सजा? 5 साल, जो सबसे बड़ी सजा है वो 5 साल की, सभी एक साथ चलेंगी। तो सभी 13 जो थे, 13 में सभी को 5 साल की सजा हुई, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो सबसे मैक्सिमम जो सजा है वो 5 साल का हुआ है, सभी सजा सभी को। एक छोटा बच्चा है, उसको लेकर भी कुछ हुआ कोर्ट का? अभी तो ये तो अब ये न्यायालय को देखना है, बाकी अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब जो भी करना है न्यायालय को करेंगे। अपना नाम प्लीज बताएंगे? जी, मेरा नाम आत्माराम चौधरी है, मैं सूचक अधिवक्ता हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।